हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जेई 14 नवंबर 2022 फर्स्ट शिफ्ट में सिविल इंजीनियर का जो हम एग्जाम देकर आए हैं उसमें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन कैसी तरह के क्वेश्चन आए, किस तरह के क्वेश्चन आपको लगाने चाहिए, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, इस तरह इसकी बात करेंगे। इन द कंटिलीवर ऑफ 8 मीटर द स्पेन ऑफ द डेप्थ एंड रेशियो हाईएस्ट 456:2000 अकॉर्डिंग, अगर आपका कंटिलीवर आ रहा तो 7 होगा, अगर आपका सिंपल सपोर्टेड आ रहा तो आंसर आपका 20 होगा, अगर आपका कंटिन्यूअस आ रहा है तो आंसर जो है 26 होगा। ये आपको पढ़ के जाना है, सेलेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, मैक्सिमम शेयर ऑफ स्ट्रेस रेक्टेंगुलर कंक्रीट बीम इन 5 MPa पॉइंट लोड गिवन 15 kN इफेक्टिव डेप्थ ऑफ 150 mm, आपसे विड्थ पूछी थी, सिंपली आपको क्वेश्चन लगाना था टाउ मैक्स बराबर 1.5 × एवरेज 1.5, यहाँ पे आपको वैल्यू रखनी थी, उसके बाद आपको कैलकुलेशन करनी थी, सिंपली आंसर आपका 100 mm आ गया। सेम यही क्वेश्चन आए थे जो हमारे याद है, हमने सेम आपको सारे क्वेश्चन मेमोरी बेस आपको दिखा रहे हैं, इस तरीके क्वेश्चन आपको लगा के जाने हैं। क्वेश्चन थर्ड की बात करें तो मोमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फैक्टर ऑफ M20 ग्रेड F415, यहाँ पे आपको दे दिया Fe, अगर आपका Fe 250 है 0.14 FCK आपको मल्टीप्लाई करनी होगी, अगर आपका 415 है तो आपको 0.138 की आपको मल्टीप्लाई करनी होगी, डायरेक्ट आपको यहाँ से आंसर कैलकुलेशन आपको बतानी थी। इसके बाद क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, फ्रॉड नंबर्स आपको एक क्वेश्चन आया, सीधी आपको वैल्यू रखनी थी उसके बाद कैलकुलेशन करनी थी, अगर आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो एलसी जो है वाई रहेगा, अगर आपका ट्रायंगुलर सेक्शन है तो एलसी जो है वाई बाई टू होगा, ये आपको एक बार पढ़ लेना है। सेम क्वेश्चन टिक टू ये भी आया था, मैक्सिमम स्ट्रेन इन द फाइबर बीम इज बेंडिंग एज पर IS 45, आपको सिंपली 0.036 आएगा, इसको भी आप पढ़ लेना एक बार। इन द गिवन बीम ऑफ IX, यहाँ पे आपको शॉर्टर लेंथ लॉन्गर लेंथ आपसे पूछा गया था, यहाँ पे आपको IX की वैल्यू दे दी, IYY की वैल्यू दे दी, आप सिंपली आप यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं या आप यहाँ से सिलेंडर रेशियो से भी आप निकाल सकते हैं, अगर ग्रेटर देन अगर 2 आती है तो शॉर्टर स्पेन होती है, अगर आपका लेस देन 2 आती है तो आपकी है लॉन्गर स्पेन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, लाइमस्टोन सैंडस्टोन इज द टाइप ऑफ रॉक, सिंपली आपको इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा था, लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन सेडिमेंट्री के दोनों एग्जाम्पल है, इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम फॉर ओबीडी, आपको कितना सिंपल क्वेश्चन है, इनिशियल टाइम पूछा है, फाइनल सेटिंग टाइम पूछा है, इनिशियल टाइम जो है 30 मिनट होता है, फाइनल सेटिंग टाइम जो है 10 आवर्स होता है। सेंसिटिव ऑफ क्ले सोयल, इससे आपको एक क्वेश्चन आया था जिसमें मीडियम वाला पूछा गया था, इनसे रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चन पढ़ लेना है क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था सोयल डिपॉजिट में, क्वेश्चन रिवर वाटर से पूछा गया था, एलुवियल डिपॉजिट होता है। ये वाला आपको बता दिया, सेडिमेंटल रॉक से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें एग्जांपल दिए थे सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन, दोनों एग्जांपल दिए थे, आपको लगाना था सेडिमेंटल रॉक। एक क्वेश्चन आपका यहां से पूछा गया था नॉर्मल कंसिस्टेंसिटी टेस्ट वाटर ऑफ कॉन्टेक्ट, यहाँ पे दिए थे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की आपकी वैल्यू पूछी थी, आपको एक क्वेश्चन यहां से रिलेटेड भी आप क्वेश्चन लगा लीजिए। इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ बोन ब्रिक मेजरी, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से तो आपका एक क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन यहां से आया था वर्निश का, प्राइस क्वालिटी ऑफ 0.4, ये आपसे थिकनेस पूछी थी, आपको याद करनी है, बाकी आप इससे रिलेटेड जो हमने लिख रखी ये भी आप याद कर लीजिए। सैमसन रूल एंड ट्रेपेज़ॉइडल रूल में डिफरेंट पूछा गया था, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, आप अगर आप पेपर देखोगे सेम इसी तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, पिछले बिल्कुल मेमोरी बेस्ड बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने लिखे हैं जो आया है। एक क्वेश्चन यहां से आया था पार्टिकुलर ऑफ आइटम यूनिट ऑफ मेजर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, पार्टिकल ऑफ आइटम एंड यूनिट ऑफ मेजर काफी इंपोर्टेंट है, यहां से आपको पढ़ना ही पढ़ना। एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन और द फ्रेमवर्क की यूनिट पूछी थी और एक डेंसिटी, तीन क्वेश्चन यूनिट के थे, आप डेंसिटी की यूनिट पूछी गई थी, आपको यूनिट जो है काफी इंपॉर्टेंट है, यूनिट ऑफ मेजर्स काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये सारी यूनिट जो है आपकी नंबर में काउंट होती है, ये सारी यूनिट जो आपकी मीटर में काउंट होती है, ये सारी यूनिट जो है मीटर स्क्वायर में काउंट होती है।
नंबर ये भी आपकी जो है मीटर स्क्वायर में होती है। इससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा, आपको यूनिट जरूर पता होनी चाहिए। ये भी पढ़ लेना है, लेकिन इनसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है रेक्टेंगुलर चैनल का और ट्रेपेजॉइडल चैनल का, ये आपको विद जो है याद रखनी है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन यहां से आया था, ड्यूरेबिलिटी ऑफ द मॉडरेट एवरेज ऑफ लेस देन 120 मंथ एंड बट ऑफ द 60 मंथ मोर देन, यहां से जो एक क्वेश्चन आया था, आपको ये भी आपको याद रखनी है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्वाडेक सीपोन एक्वाडेक आपसे जो पूछा गया, इनमें से तो एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है, एक्वाडेक हो या सीपोन एक्वाडेक हो या सुपर पैसी जो कैनाल सीपोन हो या फिर लेवल क्रॉसिंग हो, इनमें से एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से एक क्वेश्चन आते ही आते हैं। फर्स्ट शिफ्ट में भी इनमें से एक क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन यहां से आया था, बीओडी यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड्स में बायोकल ऑक्सीजन डिमांड इनिशियल बीओडी माइनस फाइनल बीओडी मल्टीप्लिकेशन, ये आपका एक क्वेश्चन यहां से आया था, डायरेक्ट परसेंटेज पूछी थी। मोडलेस आउटलेट एंड सेमी मोडलेस, यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है। आपसे ड्राई रोड की डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी थी, जिसमें आपको लगा रहा था रिड्यूस फाइबर टाइम पाउडर, ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन यहां से आया था, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहां से भी, आपको ये आपको याद होने जरूरी है, ये आपको बुक में से कहां से भी आपको याद करना है, ये आपके याद होने चाहिए। इसमें से एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन ये आया था, पॉइंट थर्ड, मेंबर्स ऑफ नॉर्मल कैरी टेंशन बट सब्जेक्टेड टू रिजर्व स्ट्रेस ड्यू टू विंड एंड अर्थक्वेक फोर्स, आपको 350 एम ने इसका आंसर लगाया था, एक क्वेश्चन इसमें से आया था। और एक क्वेश्चन जो है इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम पूछा था ओएडी का, यहाँ वहां से भी आपको याद रखने हैं, जिसमें से काफी क्वेश्चन और हैं, अगर आप कॉमेंट करेंगे तो हम काफी क्वेश्चन और आपके लिए इस पे भी हम वीडियो बना देंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आए थे जो हमारे अभी याद है, लेकिन हम उनको अच्छे से लिख रहे हैं, जैसे ही हम नोट कर लेंगे उसके बाद हम एक सेकंड वीडियो भी बनाएंगे।